हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 12 मोस्ट में। सो आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और बहुत ही छोटा पार्ट है, तो सीधा इसको चालू करते हैं। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी। सबसे पहले हमने नेशन की बात करी थी, फिर स्टेट की बात करी थी, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट और सिविल सोसाइटी का क्या रिलेशन बीच में चलता है, पूरा हम इसकी बात कर लेते हैं। आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा हम स्टेट के बारे में बार बार बात कर रहे थे। तो स्टेट का मेनली काम क्या होता है, स्टेट ऐसा बहुत ही क्रूशियल एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक नेशन के अंदर अच्छे से मैनेज करता है। मेनली गवर्नमेंट को आप अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको मैनेज करता है कि इक्वालिटी रहे और वहाँ पर सब पीसफुली रह सके। लेकिन फिर इसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि जहां हम यहाँ स्टेट की अच्छाई कर रहे हैं, कई बार स्टेट एकदम इसके अपोज में भी आ सकता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक स्टेट जो है वो बिल्कुल नेशन और उसके लोगों से दूर हो सकता है। जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, जुडिशरी हो गया, आर्म्ड फोर्स, पुलिस एक्सेट्रा, ये सब अपने आप को एकदम अलग कर सकते हैं, बिल्कुल इन लोग पीपल्स की बिल्कुल बात सुनना बंद कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। ये आपने USSR के बारे में पढ़ा होगा जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब के डेमोक्रेसी का उल्टा आप बोल दीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी लोगों की नहीं सुनती है, लोगों के एस्पिरेशन फुलफिल नहीं करती, अपनी अपनी चलाने लगती है, बस डेमोक्रेटिक स्टेट का ही अपोजिट होता है। ऐसा भी कई बार हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उस कंट्री के उनके पास कोई वॉइस ही नहीं बचती है, और जो पावर रहती है पूरी हमारी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और गवर्नमेंट बताती भी नहीं है उसको क्या डिसीजन करना है और क्यों करना है। कुल मिलाकर बस डेमोक्रेसी का एक अपोजिट गवर्नमेंट भी फॉर्म हो सकती है, मतलब स्टेट भी दो टाइप की हो सकती है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर हम अथॉरिटेरियन की बात करें स्टेट्स की, तो इन लोग जितने भी सिविल लिबर्टीज़ होती हैं उनको अबॉलिश कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी दिया हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहा है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, लॉ में अगर कोई प्रोसेस चल रहे हैं हम लॉ की पूरी मदद ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमें सिविल लिबर्टीज़ मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे राइट्स हमको मिलते हैं, लेकिन अथॉरिटेरियन स्टेट्स इन सबको अबॉलिश भी कर सकता है या फिर लिमिट कर सकता है, मतलब कितना एक हमारी सिविल लिबर्टीज़ के साथ ये खेल सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि क्यों ऐसा होता है। तो हमें देखने को मिलता है कि मेनली यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा ही अपनी मनमानी चलाने लगे, एक अपने आपको डिक्टेटर वे में देखने लगे, तो अथॉरिटेरियनिज्म का जन्म हो जाता है। इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि अथॉरिटेरियन तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टेट को नेगेटिव फॉर्म दे देती हैं। वो है कि जब स्टेट लोगों की सुनना बंद कर देता है कुछ रीज़न की वजह से, वो रीज़न आते हैं करप्शन बहुत बढ़ गया है, इनएफिशिएंसी हो गई, काम नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये कुछ और ऐसे हमारे सामने रीज़न आ जाते हैं कि क्यों स्टेट एक बेकार काम करने लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक अथॉरिटेरियनिज्म ही एक बेकार चीज़ होती है, ये चीज़ें भी एक फैक्टर हो सकती हैं। पर हमने पूरे रीज़न देख लिया कि क्यों एक स्टेट को मतलब क्या नहीं करना चाहिए, जो एक सही स्टेट होती है वो चीज़ें क्या नहीं करती है। अब यहाँ समझ में आता है कि स्टेट को ये सब करने से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग हमें नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर आना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा जो कि स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की दम रखें, जो बता सकें कि भाई स्टेट क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, पूरे स्टेट पर मतलब निगाहें रख सकें। तो यहाँ पर अब हमारे सामने आता है सिविल सोसाइटी। द सिविल सोसाइटी इज द नेम गिवन टू द ब्रॉड अरीना विच लाइज बियॉन्ड द प्राइवेट डोमेन ऑफ द फैमिली। मतलब कुल मिलाकर सिविल सोसाइटी क्या होता है, सबसे पहला ये होता है कि एक ब्रॉड अरीना है जो कि कोई पर्टिकुलर फैमिली, मतलब कुल मिलाकर किसी एक के हाथों में नहीं है ये चीज़, और ये किसी के हाथ में भी नहीं है, और साथ ही साथ ही अपने स्टेट और मार्केट के डोमेन से भी अलग है। कुल मिलाकर इसको स्टेट ओन नहीं करता, इसको मार्केट ओन नहीं करता, किसी इसको पर्टिकुलर कोई लोग ओन नहीं करते, एक सोसाइटी मिलकर इसको बनाती है, मतलब वॉलेंटरीली ये बनाया जाता है। इसकी नॉन स्टेट होता है, नॉन मार्केट होता है, और ये जितने भी हम इंडिविजुअल हैं ये सब साथ में आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक आवाज़ उठाने के लिए खुद अपनी सहमति से इसमें ज्वाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मेन काम ये होता है कि सब पहली बात तो सब अपने खुद की इच्छा से इसमें आते हैं, इन लोगों का कोई मेनली सोल पर्पस प्रॉफिट नहीं होता है, इन लोग स्टेट्स गवर्नमेंट से मतलब हमारे कनेक्टेड नहीं होते हैं, इन लोग सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, कोई भी सोशल इशू पर आवाज़ उठाएंगे, अगर कहीं को गवर्नमेंट का काम सही नहीं लगेगा इसके लिए इन लोग आवाज़ उठाएंगे, कुल मिलाकर अपने वॉलेंटरली काम इन लोग करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कुल मिलाकर हमारे जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, मीडिया हो गया, इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियंस हो गए, NGO हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब मिलकर एक ये हमारे सिविल सोसाइटी में आते हैं ये सब। तो आपको ये सिविल सोसाइटी समझ में आना चाहिए। इसके बाद सिविल सोसाइटी का अगर हम मेन क्राइटेरिया की बात करें तो ये कभी भी स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पहली चीज़।
स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इनका प्योर जो पर्पस है वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एक छोटा मोटा पर्पस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पर्पस की बात करें तो 100% कभी भी सिर्फ इनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया के कारण ये एक दूरदर्शन कभी भी एक सिविल सोसाइटी में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट चैनल नहीं है, जबकि बाकी प्राइवेट चैनल आ जाएंगे। इसके बाद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं आएगी सिविल सोसाइटी में, लेकिन उसके जो वर्कर हैं जो ट्रेड यूनियंस में आते हैं वो सिविल सोसाइटी का पार्ट हो जाएंगे। तो ये हमें समझ में आता है कि यार थोड़ा सा ये क्राइटेरिया फॉलो करके चीज़ें बनाई जाती। लेकिन हालांकि कई बार क्राइटेरिया से अलग चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती, जैसे कि कोई एक न्यूज़पेपर, अभी हमने ऊपर मीडिया की बात करी थी हमारे सिविल सोसाइटी में, लेकिन कई बार ऐसे न्यूज़पेपर हो सकते हैं जिनका मेन पर्पस ही होता है पैसा कमाना। कुछ एनजीओ ऐसे हो सकते हैं जहाँ हमने बात करी कि स्टेट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कई एनजीओ ऐसे हो सकते हैं जिनको स्टेट ही फंड कर रहा है। तो एक हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर अब हम बात करें अथॉरिटेरियन रूल की, जो हमने स्टार्ट में बात करी, इंडिया ने कब ऐसा फील किया कि यार हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन कहीं ना कहीं आ रहा है? ये था इमरजेंसी का समय, जून 1975 से जनवरी 1977 में। इमरजेंसी का हमने पूरा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है। जब हमारे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस समय क्या हुआ था, पार्लियामेंट को सीधे सस्पेंड कर दिया गया था, और मेनली लॉस सीधे गवर्नमेंट डायरेक्टली बना रही थी। इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी खिलवाड़ किया था, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। इसका जितनी भी सिविल लिबर्टीज होती हैं उन सबको अबॉलिश कर दिया गया था, रोक दिया गया था। साथ ही साथ जितने भी एक्टिव पॉलिटिकल लीडर हैं जिसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे उनको जेल में डाल दिया गया था। मतलब आप देख रहे हैं मनमानी गवर्नमेंट की, उनको जेल में डाल दिया। मीडिया में पूरी सेंसरशिप लगाई गई थी, मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं छाप सकता है, पहले वो पूरा सेंसर किए जाएंगे, ये भी आपने पॉलिटिकल साइंस में देखा है। तो ये आ गया था। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं तो उनको निकालने का एक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन इमरजेंसी में उनको बिना कोई प्रोसीजर के डायरेक्ट निकाला जा रहा था, ये अलग एक चीज़ आई थी। फिर जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम वो इम्प्लीमेंट कर रही थी, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रही थी, ये बहुत ही लो लेवल ऑफिसर्स के अंडर में किए जा रहे थे। इसके एकदम इंस्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ रहे थे। इसका एक सीधा एग्जांपल आता है कि जो ये स्टीरिलाइजेशन किया गया था इमरजेंसी के पीरियड में, इसमें बहुत ज़्यादा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आए थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी हरकतें करी थी जिससे लोगों की डेथ आ रही थी। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, इमरजेंसी का पीरियड खत्म हुआ और फिर एक इलेक्शन अनएक्सपेक्टेडली अर्ली 1977 में हुए, तो इंडिया ने कांग्रेस को इतने समय वोट नहीं दिया। तो सीधा हमें समझ में आएगा कि कांग्रेस के खिलाफ पूरी इंडिया हो गई थी। तो मतलब अगर आप कुछ गलत करोगे तो सोसाइटी भी आपके अपोज में खड़ी हो जाएगी। इसके बाद अब हमारे सामने आता है कि जब ये इमरजेंसी का पीरियड आया तो इसमें लोगों में एकदम शॉक लेकर आ गया था। इसके बहुत सारी हमारी सिविल सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लगी थी, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो 1970s के बाद होने लगे थे। इसके बाद हमारा अब जो ये एक सिविल सोसाइटी की हम बात करते हैं, अब इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। अब ये छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़ को कवर कर रहा था, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट हमारे हुए थे, विमेंस के, इन्वायरमेंट के, ह्यूमन राइट के, दलित मूवमेंट के, इन सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन आ गया था। उसके बाद अब एक इनने इंटरनेशनल एजेंसी नेशनल लेवल पर काम करने लगे थे, अब पूरे लॉ के साथ काम कर रहे थे इन लोग। मतलब कुल मिलाकर वैसा नहीं है कि एक ऐसे ग्रुप बन गया जो आवाज़ उठा रहा है, मतलब एक लीगल वे में भी आगे बढ़ रहे थे और इन्हें बहुत बड़ा एक एरिया कवर कर रहे थे। जैसे आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए कि ट्राइबल स्ट्रगल हो गया लैंड राइट के लिए, डिवोल्यूशन इन अर्बन गवर्नेंस हो गया, कैंपेन अगेंस्ट रेप के अगेंस्ट अगर कोई बात हो गई, विमेन के अगेंस्ट अगर वॉयलेंस हो रहा है तो उसके खिलाफ इन लोग खड़े हो रहे थे, डैम बनते समय अगर किसी को हटा दिया जाता है तो उनके लिए इन लोग लड़ रहे थे, फिर फिशिंग के बारे में, रिहैबिलिटाइजेशन ऑफ हॉकर्स एंड पेवमेंट ड्वेलर हो गया, फिर फिशरमैन स्ट्रगल जो हो रहा है आजकल, फिशरमैनों का बहुत स्ट्रगल होता है जब से मशीन्स आ गई हैं, ये सब पॉलिटिकल साइंस में भी एक पूरा दिया हुआ था ये। तो कुल मिलाकर अभी छोटे से छोटे और बड़ी सी बड़ी चीज़ को कवर कर रहे थे ये लोग। एजुकेशन रिफॉर्म की भी बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दलित की बात कर रहे हैं। मतलब इनने अब एक भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है जहां पर एक मूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी सबके लिए आवाज़ उठा रहे थे। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आई है, हमारे सामने आता है। फिर से यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो सिविल ये हमारी लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट पर एक अच्छे से निगाहें रखने लगे इन लोग कि भाई कैसे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट कहाँ सही है कहाँ गलत है। हमारी मीडिया इसका सॉलिड एग्जाम्पल है, पूरे समय हमें बताती रहती है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या सही किया क्या गलत किया। तो कोई ऐसे इससे मालूम चलता है हमको यार ओवरऑल कि कितना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सिविल सोसाइटी का फॉर्म होना। कमेंट में मुझे बताइए मीडिया पर आपका क्या कहना है कि आज के डेट में हमारी मीडिया सब सही सही दिखा रही है कुछ नाटक कर रही है, ऐसा ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट छोटी मोटी डिबेट तो हमें करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे इसमें आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव अभी हुआ है वो हुआ था कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एजिटेशन कहाँ पर चालू हुआ था, राजस्थान के एक रूरल एरिया में हुआ था, जहाँ पर पूछा गया था कि जो विलेज डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने फंड्स किए हैं उसके बारे में पूरी बात करी गई थी, कितना फंड आपने किया हमको पूरा प्रोवाइड करवाओ अपडेटा। इसके बाद एक कैंपेन, एक नेशन वाइड कैंपेन बन गया। इसके बाद
जो ब्यूरोक्रेसी उसने बहुत रेजिस्टेंस किया था कि नहीं हम कभी नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब लोग एकदम से इतने सामने आ गए तो फिर अपनी गवर्नमेंट को काम करना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला नहीं यार एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो एक सॉलिड एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें तो कैसे वो स्टेट पर भी एक अच्छा अपना एक दबदबा दिखा सकती है अगर वो लोग सच का साथ दे रहे हो, सब साथ में आ रहे हैं। अगर हम बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन की, लास्ट बॉक्स हमारे उसमें आता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा है, ये 2005 में आया था। इसका मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो अब हमारे सिटीजन को हमें एक राइट मिल जाता है कि हम गवर्नमेंट से अप्रोच करके बोल सके कि आप हमें बताइए, पूरा एक डिटेल निकाल के दीजिए कि आपने कहाँ कितना पैसा खर्च किया, कैसे आप काम कर रहे हो। मतलब वो छुप कर काम नहीं होगा, मतलब कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने बोला कि इस विलेज में हम 10 करोड़ रुपये लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा वो 10 करोड़ रुपये कहाँ पर लगे, और ये कोई भी करवा सकता है। तो ये लॉ का पूरा यहाँ पर आया था, और इस लॉ का तो हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने लॉ तो पास कर दिया लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं हर एरिया में इंडिया में वो सब पहले से ही अपनी डिस्क्लोज करें डेटा कि भाई हमने ऐसा काम किया ये काम किया, क्योंकि कम से कम नौबत पड़े कि कोई इंडियन सिटीजन जाके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ कर रहा है कि भाई हमें बताओ कहाँ डेटा लगा। पहले से ही अच्छा रहेगा कि हम सब लोगों के पास अवेलेबल रहे, शायद यही रीज़न है कि आजकल आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाते हो तो आपको पूरा डेटा मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इस लॉ की इन्फॉर्मेशन एक्ट की, तो 15 जून 2005 को ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके 13 अक्टूबर 2005 को ये इन्फोर्स भी हो गया था। मेनली इसमें इसके पहले एक हमारा चलता था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसको ये हटाने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि भाई अब से सब बताया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में सब स्पेशल लॉ चलते थे, वहाँ के लिए नहीं था, ये पूरे स्टेट के लिए था। मेनली अगर हम इस राइट की बात करें कि राइट क्या करवाता है, तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले जा सकते हो, डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, पूरे रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो, आप सर्टिफाइड सैंपल ले जा सकते हो मटेरियल ऑफ वर्क के कि कैसे वर्क हुआ क्या हुआ, और पूरी इन्फॉर्मेशन की आप कॉपीज कैसेट्स टेप्स सब ले जा सकते हो, मतलब सबकी कॉपी रख सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, पूरा आप ऐसा कर सकते हो, मतलब कुल मिला के हमारे सब पूरा डेटा हमारे हाथ में आ जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक अपने आप में हमें चीज़ बताती है कि अरे एक सिविल सोसाइटी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है इंडिया को आगे बढ़ाने में, और इसकी वजह से गवर्नमेंट कभी भी अथॉरिटेरियन नहीं बन पाती। इसलिए आज इंडिया में इतने साल हो गए आज़ादी के लेकिन तो भी डेमोक्रेसी जिंदा है हमारे यहाँ। इसी नोट के साथ मैं चैप्टर खत्म करता हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर था आई नो लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके कुछ टर्म्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जो बीच में पूरे डिस्कस करें, वीडियो अच्छे से देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सोशियोलॉजी का अगला चैप्टर भी जल्द लेकर आएंगे, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट देखना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नए वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।